दोस्तों नमस्कार। मेरे वीडियो में एक बार और मैं एक मित्र के आना हूँ। आप हैं राम कश्यप जी, मेरे काफी पुराने परिचित हैं और कई वीडियो में देखा भी होगा आपने इनको मेरे साथ, वैसे रहते हैं। कश्यप जी इधर को आ जाइए आप थोड़ा सा। बस बस, आपसे मेरे एक सवाल है, समझ लीजिए कि कुछ जनता के सवाल हैं, पब्लिक के कुछ। आपसे मैं जो बात करूँ ऐसा लगे जैसे उनसे खत्म। सबको ये सबको क्या है कश्यप जी, सबको ये इंतजार है कि विष्णु जी कब अवतार लेके आएंगे, यही तो है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कल के बन के। ये लोग उनका जिक्र क्यों नहीं करते जो अवतार लेते नहीं? शिव जी तो यही के, उनकी क्यों नहीं बात करते भाई? शिव जी को तो कोई अवतार लेने की जरूरत ही नहीं है, जिनको आना ही नहीं, जो परमानेंट यही है भाई। सब कुछ तो मालिक वही है, भेजते हैं उनको आना ही नहीं, वो परमानेंट यही है। उधर से क्या नाराजगी है दोस्तों? सवाल नहीं है, जो भेजने वाला परमानेंट यही है, आना ही नहीं, कहीं जाना ही नहीं है। जवाब मिलना चाहिए है नहीं मैं, जब आपके पास एक परमानेंट पावर है जो कहीं ना जा रही ना आ रही यही है, फिर भी उत्सुकता विष्णु के अवतार की रहती है। जानते हैं कारण क्या है कश्यप जी? कारण ये है, विष्णु जी इन ज्यादातर जो आए, हम जिनकी हम बात करें, राम कृष्ण जो भी लोग आए हैं, परशुराम जी भी हैं और भी है ना, इनमें ये इंसान रूप में आते हैं। इसलिए लोगों को वो इंतजार रहता है कि इंसान रूप में आएंगे, तो यही तो है कारण, और कुछ है बताओ? धरती पर कोई मानव के रूप में आए, वो अट्रैक्शन है, वो आकर्षण है। वरना तो शिव जी तो शाश्वत है, वो तो अनवरत है, हर समय सब जगह आपको कुछ मांगना कुछ भी करना, वो भेजने वाले वही है, किसी को भी पालन सबका, वो सब कुछ वही करने वाले हैं। तो मेरा मतलब कहने का है दोस्तों, इस बारे में भी कमेंट बताओ कि जब ऑलरेडी यहाँ पे परम पिता परमात्मा सृष्टि के मालिक, चलाने वाले, संघार करने वाले, सब रचने वाले, सोचने वाले, गति देने वाले, सदगति देने वाले, जब ये सब कुछ हार जाए तब सब कुछ करने वाले शिव जी जब यहाँ है सुपर पावर, तो फिर औरों के लिए इतनी उत्सुकता क्यों है? जब लगेगा शिव जी को कि आप भेज देना चाहिए, भेज देंगे, जब प्रकट होना होगा हो जाएंगे। हम जो इतनी बातें आपसे कर रहे हैं ना दोस्तों, ये भी शिव जी ही करा रहे हैं। जिन जिन को ये उत्सुकता है ना, क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए, तो उत्सुकता शांत करने के लिए मैं भी शिव जी के आदेश से ही कर रहा हूँ। अब आप सोचोगे शिव जी ने आपको आदेश कैसे दिया? भैया शिव जी का आदेश तो ऐसा मान लिया मैंने, जैसे मेरी अंतरात्मा ने, सभी की अंतरात्मा है कहती है, सच बोलती है। हाँ तो मेरी अंतरात्मा कह रही है भाई इनसे बताओ, इतनी उत्सुकता मत रखिए, जो है उसको सोचिए, शिव जी तो यही है, कहीं नहीं गए, जब उनको आना होगा आ जाएंगे, विष्णु को भेजेंगे वो। बाकी अभी प्रकट नहीं हुए, प्रकट होते तो आपको भी राम कृष्ण उनके परिवार खानदान सब पता चल जाता, कौन कौन सी जगह पे कहाँ पड़े, कहाँ रहे, कहाँ उनकी सब है। तो अभी कलगी के बारे में कहीं कुछ नहीं, प्रकट नहीं हुए, जब प्रकट हो जाएंगे पता चल जाएगा। दोस्तों कुछ कमेंट दीजिए, आप बताइए राम जी आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, क्यों बताओ जी? वीडियो तो आपके सारे मतलब धार्मिक टाइप के जो होते हैं सब मार्गदर्शन वाले ही होते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, सबको मतलब लोगों की जो है मतलब जिज्ञासा और बढ़ती है आपकी वीडियो देख के, और आपके बारे में मतलब जो जो आप बताते हो लोगों को कि कल के अवतार के बारे में, तो और सुन सुन के मतलब लोगों की जिज्ञासा बढ़ती है कि और सुना जाए आपकी वीडियो को, और जानकारी प्राप्त की जाए आगे। आप शायद बता रहे देखिए अभी शायद किसी जगह का नाम भी कल की कुछ रखा जा रहा है, उसमें करेंगे बाद में चर्चा इनके साथ ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हो शिव जी।